तो जी गाइस बहुत बुरी मीटिंग हो चुकी है। ऑर्डर लिया, पहले तो बहुत देर खड़े हो गए क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रखे होते हैं। और अभी आपने वीडियो क्लिप देखी होगी, पता नहीं यार दो तीन बार से ना गाड़ी दिक्कत दे रही है। जैसे पानी बारिश का मौसम होता है, मतलब दो तीन बार में एक बार दिक्कत देती है कि गाड़ी बंद कर दी, वापस स्टार्ट ही नहीं हो रही। पता नहीं ऑल्टरनेटर या कुछ कुछ चीज़ की भसड़ है। जैसे मेरी अभी भैया से बात हुई है तो अभी सीन ऐसा है कि हम लोग तो गाड़ी पर ही इंजॉय कर रहे हैं, घर पर ले जाने का प्लान था। और जतिन भैया को फ़ोन किया है, वो किसी मैकेनिक वगैरह को भेज रहे हैं जो बैटरी से इसको स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हैं, धक्के से हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं हुए तो नहीं हुए। गाइस रात के 12:30 बज चुके हैं। फाइनली मैंने क्या किया, दीदी को स्कूटी से भेज दिया, पापा को बुला लिया था, पापा आ गए हैं। और मेरी RSA पे बात हो गई, मैंने आज से पहले कभी RSA यूज़ नहीं किया था तो मेरे को पता ही नहीं था कि RSA से कैसे डील करते हैं। तो सिंपली माई हुंडई का ऐप इंस्टॉल करो, उसमें आपका VIN नंबर डालो। मैं VIN नंबर बता देता हूँ कि VIN नंबर कहाँ मिलता है। मेरे को सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगा ढूंढने में, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था, आज से पहले कभी यूज़ ही नहीं किया। VIN नंबर यहाँ पे होता है, ये होता है आपका VIN नंबर, ठीक है। तो मैंने VIN नंबर डाल दिया उस ऐप में, उसके बाद मैंने RSA के लिए रिक्वेस्ट कर दिया। उसमें वो पूछता है क्या हुआ, हैंड टू हैंड मेरे पास कॉल आ गया, अभी मेरी RSA टीम से बात हो गई है। तो उनने नियरेस्ट जो भी उनका टाइड बंदा होगा ना, मतलब ये लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी लोगों को जोड़ के रखते हैं जो क्या करते हैं आपको हेल्प कर देते हैं और टो करवाने में या ऐसे पावर स्टार्ट करवाने में बैटरी से। तो ऐसा सीन है, तो मेरी बात हो गई, उन्होंने पूछा आपको टो करवाना है या पावर स्टार्ट करवाना है। मतलब पावर स्टार्ट करवाना है क्योंकि हो जाएगी पावर स्टार्ट से, मेरे को पता है। तो उन्होंने बोला पावर स्टार्ट पर रिस्क आपकी रहेगी क्योंकि अगर पानी की वजह से अगर ये चीज़ हुई है तो कुछ भी हो सकता है। मैं बोला पानी गया ही नहीं है। तो ये चीज़ है गाइस, ये करवा रहे हैं अभी, और जो भी अपडेट होगा मैं बता दूंगा। और आपको मेरे फेस पर खुशी दिख गई होगी और समझ में भी आ गया होगा कि क्या सीन है। सीन ऐसा है कि RSA वालों का 15 मिनट के बाद ही कॉल आ गया था कि बंदा रंगबाड़ी से आपके पास आ रहा है, और 10 मिनट की दूरी थी उसकी। उसने कॉल करके खुद ही बोल दिया भैया 10 मिनट में मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो देखते हैं फिर क्या होता है, अभी दिखाते हैं आपको। और भाई ब्रेक पैड वाली चीज़ का भी बताता हूँ, ये वाली डिस्क देखो आप एक बार, देख रहे हो ये कितनी कम घिसी हुई है, ठीक है। अब वो वाली दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो इतनी घिसी हुई है, ठीक है। उधर के दिखा आपको, ये देखो भाई, मतलब इससे पता चल गया कि इस वाले टायर का ब्रेक शुगर है। फाइनली हमारी सेवा आ गई जी, इस सेवा से स्टार्ट होगी हमारी गाड़ी। मारुति से लॉर्ड मारुति 800। सबसे पहले यहाँ पे आगे फोटोज ले रहे हैं, जिससे बताएंगे आगे कि रीच हो चुका है यहाँ पे उनका, फिर अब करेंगे चेकअप। तो ये भैया लेके आए हैं अलग से बैटरी, इससे वो करते हैं ये काम है। अगर जैसे बैटरी से स्टार्ट करने वाला कि और भी कुछ करने आते हो आप गाड़ी में, यही काम है ना। वो क्या चेक किया भैया आपने, बेल्ट क्या करा था, बेल्ट। और अगर आप इसके बाद एक चीज़ और बता दोगे ना, हम तो हमारा फायदा हो जाएगा थोड़ा सा। लो पापा चाबी लेके जाओ, इसमें क्लिप नहीं आती क्या, इसमें कि इसमें भी क्लिप लगा दो दूसरी क्लिप आती है, मगर क्या टूट गया क्लिप। ओके ओके, तो अब पापा सेल्फ मारने जा रहे हैं, प्रभु जय श्री राम बोलो और हो जाए। मेरे हेलो, वाह यार इजीली हो गई, हमने कम से कम आधे घंटे धक्का मुक्की करी है भैया। अब आप मेरे को दो चीजें बता के जाओ, आपको थोड़ी ये दिक्कत जो होती है ना वो बारिश के समय में आती है, तो ऐसा क्यों है? जैसे बारिश के समय में भी हर बार नहीं आती भैया, जैसे मान लो खड़ी कर दी हमने तो कहो तो हाथों हाथ स्टार्ट हो जाएगी, और कभी ऐसा होता है जैसे अभी हुआ, मतलब दो तीन बार पहले नहीं हुई, अभी यहाँ की तो स्टार्ट ही नहीं हुई, धक्के से भी नहीं हुई। क्या प्रॉब्लम हो सकती है बैटरी की? बैटरी चेंज होएगी, बैटरी कितने में होनी, बैटरी 3 साल से चेंज नहीं हुई, जब से गाड़ी लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई आज तक इसमें। हाँ बैटरी की दिक्कत है, ऑल्टरनेटर वगैरह किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, पक्का। अब एक चीज़ और देख दो बस, हम क्या आज भोपाल से आ रहे हैं भैया, तो इसका क्या रास्ते में ब्रेक पैड आवाज़ करने लग गया, आप खुद चला के देख लो, वो पों आवाज़ आ रही, तो आप बता दो ब्रेक पैड की है ना वो या किस चीज़ की है, ब्रेक लगाने के बाद आ रही है कैसे आ रही है? ब्रेक लगाने के बाद यार
पापा एक बार इनको गाड़ी दे दो, मेरा तो क्या यहाँ पे भैया का है खालसा सर्विस सेंटर, अगर आपको मालूम हो तो। उनने तो बस यही बोला था अगर ब्रेक में से आ रही तो ब्रेक कम से कम यूज करना। 3 साल में गाड़ी ने कोई दिक्कत नहीं दी, 1 रुपया खर्च नहीं करवाया मेरा, अब दिक्कत देने लगी है। रिवर्स पे है भैया, कांच खोल लो तब पता चलेगा। लगाओ ब्रेक बस। काहे की आवाज़ है? ब्रेक पैड। तो दोनों ही चेंज होएंगे कि एक चेंज होता है? दोनों चेंज होते हैं, दोनों क्रॉल बॉक्स में बैठ बात है। अच्छा, आगे ही होता है ना ब्रेक पैड, पीछे तो ये ड्रामा है। और आपको अंदाजा है कितने रुपए में होता होगा एक चीज सही? इसका पता नहीं है, कंपनी में तो महंगा ही होता है ना, बाहर ही करवाना सही है। कंपनी में तो महंगा ही होता है। गाड़ी कितने साल हो गए अपने को? 3 साल। ऐसे तो वारंटी वगैरह इसकी सब है। कंपनी में लाओ तो बेस्ट बात है। बेस्ट है, देख लेंगे दोनों, पता कर लेंगे जहाँ महंगा सस्ता हुआ। तो भाई भैया आ गए, सब अपना काम हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब चीज़ें भैया से जो भी पूछनी थी पूछ ली, अब घर निकलेंगे, बहुत थक गए हैं। और एक चीज और है, अभी आप बंद करके अभी स्टार्ट करोगे ना तो आज स्टार्ट हो जाएगी। मत नहीं, मैं नहीं कर रहा लेकिन हो जाएगी, ये मेरे को मालूम है। हाँ भैया थैंक यू सो मच। कहानी है लास्ट वाले ब्लॉग के रात की, बट मैंने आपको इस वाले ब्लॉग में दिखाया है, तो भाई ऐसा मत सोचना कि ये क्या बजड़ है। अगर नहीं समझ में आया तो लास्ट वाला ब्लॉग जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा हुआ क्या था। तो ठीक है गाइस, फीडबैक ले रहे हैं, तो थैंक यू सो मच भैया, आप आ गए टाइमली और आपने मेरा काम कर दिया। आपने 15 मिनट बोला था, आप 15 मिनट में यहाँ पे आ गए, और थैंक यू सो मच। अभी आप गाड़ी स्टार्ट है? हाँ गाड़ी स्टार्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो गाइस फाइनली सब कुछ बढ़िया हो गया, नाम लिया था प्रभु का, जय श्री राम, आ गए घर पे, बढ़िया नहा धो के दूध पी रहे हैं, पूरे दिन की थकान हो गई थी तो अब रिलैक्स हो रहे हैं, सोएंगे, मस्त मस्ती से सोऊंगा और फ़ोन वोन साइलेंट कर दूंगा, मस्त सोना है अब तो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस व्लॉग पे यहीं पे करते हैं, तुम वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, अच्छा बुरा सभी लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, जय श्री राम, लव यू ऑल।